बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने आज बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में विशाल तिरंगा रैली निकाली और नवंबरकरों को आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बेलापुर से शानपाड़ा के मोराज सर्कल तक निकली इस महा तिरंगा रैली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता, नागरिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर चल रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज नवंबरी तिरंगा रैली के जरिए देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की इस तिरंगा रैली में सांस्कृतिक झांकी के जरिए भारत की कला, संस्कृति और आस्था का अद्भुत नजारा दिखाया गया। बेलापुर से सानपाड़ा तक चली इस महा तिरंगा रैली में तमाम कलाकारों ने खुद को महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऐतिहासिक महापुरुषों की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय एकजुटता और देश प्रेम का जज्बा जगाया। आज लोगों को गाड़ी में, घर में, सब जगह झंडा लहराने का एक अधिकार मिल गया। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, 15 अगस्त को जाते थे और झंडा लहराते थे। इस बार हर बच्चा, हर गाड़ी, हर रिक्शा, हर आम आदमी अपने हाथ में झंडा लेके भारत का प्यार जताने का कोशिश कर रहे कि भारत के ऊपर कितना प्यार है। इस तिरंगा रैली में बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जत्ता गंगाले, सुहासिनी नायडू, शंपत सेवाले और नेत्रा सिरके समेत कई नगर सेवक और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हाथों में झंडा थामे तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। यहां नवंबरकरों में जोश भरते हुए बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि आजादी हमें लाखों कुर्बानियों के बाद मिली है, इसलिए इसका महत्व समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी नवंबरकरों से इस राष्ट्रीय उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। भारत को स्वतंत्रता मिलके 75 साल हो गए और उसके लिए हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे। हमारे देश के नेता आदरणीय प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने कहा था हर घर तिरंगा लहराओ, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए स्वतंत्रता हमको किस बलिदान लोगों ने दिए, इसलिए स्वतंत्रता मिली है। हमारे जो वीर है उनके बलिदान से ये भारत देश स्वतंत्र हुआ, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और आज इस नवी मुंबई में हमने जो ये सब भव्य दिव्य रैली निकाली है, इसमें सब नगर सेवक है, नगर सेविका है, सब संस्थाएं, आम आदमी है, इसमें सभी लोग शामिल हुए हैं। और इन्होंने ये जो रैली निकाली है वो भारत के ऊपर जो हमारा प्यार है, भारत की स्वतंत्रता के ऊपर जो प्यार है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी संस्कृति है, वो दिखाने की हमने कोशिश की है। और सभी को हम इस माध्यम से कल के आने वाले झंडा बंधन में सभी नागरिकों को, भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभेच्छा देना चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।